जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, नव नवरात्रे माँ दुर्गा के नौ रूप, माँ दुर्गा के नौ रूपों की अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार से विशेष पूजा और अर्चना भक्तजन करते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख भी है। माँ दुर्गा को नौ तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं, नौ दुर्गा को नौ ही प्रकार का भोग भी लगाया जाता है और नौ ही प्रकार के मंत्रों द्वारा माँ भगवती को प्रसन्न कर किया जाता है। कि मजबूती के लिए किस प्रकार माँ की पूजा अर्चना इन नवरात्रों में करें, साथियों इस वीडियो में आज इसी विषय पर मैं आपके सामने चर्चा करूंगी। नवरात्रों के हर दिन का यूं तो विशेष महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं शास्त्रों के अनुसार यदि नौ दिन में हर दिन खास रंगों का इस्तेमाल किया जाए, उनका प्रिय फूल और उनका प्रिय भोग अर्पित किया जाए, उनके प्रिय मंत्रों से उनकी पूजा की जाए, तो ये व्यक्ति के भाग्यों को उज्जवल करता है। वैसे तो श्रद्धा एवं भक्ति से जो भी भोग माता रानी को अर्पित किया जाए वह प्रसन्न हो जाती हैं, परंतु यदि कर सकते हैं तो माता के नौ रूपों के लिए नौ भोग और नौ अलग अलग फूलों का वर्णन है। में कभी भी काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आज की वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि नौ दिनों का क्या महत्व है, क्या फल है और कौन से ग्रह किस माता की पूजा करने से मजबूत होते हैं, माता के प्रिय भोग प्रिय पुष्प कौन कौन से हैं, के लिए जानना जरूरी भी है। तो साथियों झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रथम नवरात्रा माता शैलपुत्री का नवरात्रा। चंद्रमा ग्रह की मजबूती के लिए इनकी पूजा अर्चना की जाती है। शुद्ध देसी घी गाय का हो या उससे बनी सफ़ेद मिठाई माता को अर्पित की जाती है। सारे कष्टों व रोगों से मुक्ति मिलती है। इस माँ शैलपुत्री को गुड़हल का फूल भेंट किया जाता है और पीले रंग के वस्त्रों में बैठकर यदि आप इनकी पूजा करते हैं तो उसका विशेष फल मिलता है। माँ शैलपुत्री के जो मंत्र हैं, ओम ह्रीम शिवाय नमः, ओम ह्रीम शिवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए यदि माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है तो वो सारे कष्टों को दूर करती है। दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी। इस दिन माता को मिश्री चीनी या पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं, या इन चीज़ों का दान करने से भी हमारी लंबी आयु होती है और सौभाग्य को पाया जा सकता है। हरे रंग के वस्त्र धारण करके पूजन करने का महत्व है। गुलदाउदी का फूल माता को चढ़ाया जाता है। ओम श्री अंबिकाय नमः, ओम श्री अंबिकाय नमः, ब्रह्मचारिणी माता के लिए इस मंत्र का जाप करते हुए पूजन करना उत्तम रहता है। तीसरा नवरात्रा माता चंद्रघंटा। इस दिन खीर का भोग लगाया जाता है, कमल का पुष्प अर्पित किया जाता है, शुक्र ग्रह से संबंधित परेशानियां खत्म होती हैं और यदि संभव हो तो भूरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा की जाए। एम श्री शक्तिय नमः, एम श्री शक्तिय नमः, मंत्र की माला का जाप करते हुए पूजा करने से विशेष महत्व की प्राप्ति होती है। चौथा नवरात्रा कुष्मांडा। ये सूर्य के दुष्प्रभावों से हमें बचाती हैं। इनकी पूजा ऑरेंज कलर यानी कि संतरी रंग के कपड़े पहनकर की जा सकती है। मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। चमेली का फूल माँ कुष्मांडा को अर्पित किया जाता है। एम ह्रीम देव्यः नमः, एम ह्रीम देव्यः नमः, कुष्मांडा माता की पूजा इस मंत्र के द्वारा की जाती है। पांचवा नवरात्रा स्कंद माता। सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर इनकी पूजा करने का महत्व है। केले का भोग इनको लगाया जाता है। बुध ग्रह के दुष्प्रभाव इससे शांत होते हैं। ह्रीम क्लीम स्वामिव्य नमः, ह्रीम क्लीम स्वामिव्य नमः, इस मंत्र से माता की पूजा अर्चना की जाए
तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। छठा नवरात्रा कात्यायनी माता का, इनकी पूजा में शहद का भोग लगाया जाता है। शहद का भोग लगाने से व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षित होता है। लाल रंग के वस्त्र पहने जाते हैं और गेंदे का फूल माता को अर्पित किया जाता है। क्लिम एम श्री कलिकाय नमः, क्लिम एम श्री कलिकाय नमः मंत्र की माला का जाप करते हुए माता का पूजन करना चाहिए। सातवां नवरात्रा माता कालरात्रि का नवरात्रा, नीले रंग के कपड़े पहनकर माता की पूजा करने का महत्व है। गुड़ का भोग अथवा गुड़ से बनी मिठाई का भोग माँ कालरात्रि को लगाया जाता है। ऐसा करने से आकस्मिक संकट से बचते हैं व शोक से मुक्ति मिलती है। इनको कृष्ण कमल का फूल चढ़ाया जाता है। इनकी पूजा से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं व असुरी शक्तियों का नाश होता है। माँ कालरात्रि की पूजा ओम ह्रीं क्लीं ऐं श्री कलिकाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं ऐं श्री कलिकाय नमः मंत्र का जाप करते हुए करनी चाहिए। नवरात्रा माँ दुर्गा के आठवें रूप माँ गौरी की पूजा की जाती है। माँ गौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। इससे राहु की दशा समाप्त होती है और संतान को सुख मिलता है। बेला के फूल इनको अर्पित किए जाते हैं जिससे धन धान्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। संभव हो तो गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर इनकी पूजा करें। श्री क्लिम ह्रीं वरदाय नमः, श्री क्लिम ह्रीं वरदाय नमः मंत्र की माला का जाप करते हुए माँ गौरी का पूजन करें। नौवां नवरात्रा माँ सिद्धिदात्री का नवरात्रा, जामुनी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने का विधान है। तिल से बनी मिठाई इनका भोग लगाया जाता है। अनहोनी व अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। हलवा पूरी चना खीर आदि का भोग लगाएं और बांटें। केतु ग्रह को निर्देशित करती हैं सिद्धिदात्री माँ और चंपा के फूल इनके ऊपर अर्पित किए जाते हैं। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः मंत्र की माला का जाप करते हुए यदि आप पूजन करते हैं तो आपको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। अगर किसी को चश्मा लगा हो या आँखों से संबंधित कोई परेशानी हो तो आँखों का दान भी, चांदी की आँखों का दान भी नवरात्रों में किया जा सकता है। तो साथियों, आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई समस्त जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। संभवतः वैसे तो भगवान किस श्रद्धा के भूखे होते हैं, जिस भी प्रकार से आप पूजन करें श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ उन्हें स्वीकार होता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार यदि इस विधि विधान से आप पूजन करने में समर्थ हैं और कर सकते हैं तो इस विधि विधान से पूजन करिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ग्रह शांत होंगे और घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इजाज़त दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।